तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैंने 10 पार्ट लिखवाया था, उसमें सबसे पहले रेट मेजर, उसके बाद बताए थे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद बताए थे नॉर्मल टेंजेंट, उसके बाद आपको हम बताए थे मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद आपको हम बताए थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, उसके बाद आपको हम बताए थे कि इसका जो है टर्म निकलता है रॉस थ्योरम लैग्रेंजियन थ्योरम, जो कि आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद आपको हम बताए थे इसी टर्म में आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद एरर निकालने के लिए, इस तमाम चीज जो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है। तो एप्लीकेशन इसका क्यों नाम पड़ा, तो जो भी अभी तक जनरल टर्म पढ़ रहे थे उस जनरल फॉर्म को हम डिफरेंशिएट करना जान गए, लेकिन लैंग्वेज से जनरल फॉर्म को बना के और तब डिफरेंशिएट करने का जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि एप्लीकेशन को लैंग्वेज कन्वर्टेड इनटू जनरल फॉर्म, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू मेन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। याद हो गया होगा कि लैंग्वेज को जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करना है, द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ट्रांसफर इनटू द जनरल फॉर्म, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू मेन फंक्शन इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट टर्म है रेट मेजर। तो किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट मेजर हो जाएगा, यानी रेट का मेजरमेंट करना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस ए पोजीशन से बी पोजीशन के पास जाता है, कोई व्यक्ति जो है सो ए पोजीशन से बी पोजीशन के पास जाता है, तो उसमें उसको क्या ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को डिनोट हम किससे करते हैं, एस से। तो इसमें जो टेकिंग लगा, क्या लगा, टाइम। तो कहने का मतलब कि इसका जो रेट मेजर होगा, तो क्या करना होगा, ds बटा dt कर देंगे, और ds बाई dt कर देंगे तो इसका रेट निकल जाएगा, इसका क्या रेट निकला। तो ये रेट जो बना वह रेट किस चीज का बना, वेलोसिटी का बना। यानी कि किसी भी डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाए। अगर कोई वेलोसिटी के रूप में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, ये मान लीजिए कि गेंद है जो यहां से ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन, तो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां पर क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो टाइम जो लग रहा है तो वो टाइम भी वेलोसिटी में लगेगा तो यहां पर क्या बनेगा, तो हमको क्या करना होगा, इसका रेट मेजर निकालेंगे तो क्या होगा, डीवी बटा डीटी। और ये डीवी बटा डीटी का जो रेट का मेजरमेंट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। और यही कारण होता है कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बन जाता है एक्सेलरेशन बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो क्या हम देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उसी तरीके से मान लीजिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस पहले से कितना है, आर। तो इसको अगर हम चेंज ऑफ रेडियस की बात करें, चेंज ऑफ रेट ऑफ रेडियस, चेंज
ऑफ रेट ऑफ रेडियस की बात करें तो क्या लिखना होगा डी आर बाई डी। उस तरीके से अगर इसका एरिया है एरिया ए, अब चेंज चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया तो क्या लिखना पड़ेगा डी ए बटा डी। समझ गए? तो किसी भी चीज को चेंज, देखिए चेंज किए ना, डिस्टेंस को चेंज किए तो डीएस बाई डी टी क्या बना, वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज किए तो क्या बना एक्सेलरेशन। तो यहाँ एरिया को चेंज करेंगे तो एरिया को चेंज करने के बाद क्या बनेगा वो तो हमको नहीं पता है, इसलिए क्या लिखे डीए बाई डी टी। रेडियस को चेंज किए क्या बनेगा हमको नहीं पता है, इसलिए डी आर बाई डी टी। यानी किसी भी चीज को चेंज करना होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब मान लीजिए सिंस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चेंज ऑफ एरिया नहीं पूछेगा तो क्या लिखेगा डी ए बाई डी टी लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होगा टू पाई आर। इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, जब वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, आर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे डी आर बाई डी टी। यानी 2R, 2 pi R, dr by dt हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 pi R, तो चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा dc बटा dt इज इक्वल टू 2 pi, और R को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dr by dt। उसी तरीके से अगर यहां पर कोई स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है आर है, तो अब बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, बताइए 4 पाई आर स्क्वायर, तो चेंज ऑफ एरिया कितना होगा चेंज ऑफ एरिया, बोलिए क्या लिखेंगे डी ए बाई डी टी, और चार दूनी पाई आर डी आर बाई डी टी। समझ गए? उस तरीके इसका वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यू, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा डीवी बटा डी टी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा रेट मेजर बन जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन क्या लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन with respect to time is called rate measure. Clear? तो यह आपका rate measure का definition हो जाता है। यहां तक कोई confusion नहीं? अब इसको हम एक एक करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए, तो उसको कैसे हम लोग rate measure के question को बनाएंगे उसके लिए कुछ tips है जो आपको समझ लेना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया पूछेगा, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया, तो उसके यूनिट से आप पकड़ सकते हैं, उसके यूनिट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग रेट यानी कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया यहां भी कहेगा, इसका मतलब होता है डी ए बटा डी टी, एंड इट्स यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर के रूप में जो भी रहे स्क्वायर के रूप में रहे। अब स्क्वायर में क्या हो सकता है, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी रहे वो आपका इसमें रहे। यानी कि डी ए बाई डी टी का यूनिट अगर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा
तो क्या वह होगा? समझिए इस बात, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर बीच, यहां पर क्या लिखा हुआ है? टाइम। अगर ये टाइम है तो क्या लिखना होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, मैं ऐसा इसलिए लिखा कि नीचे में क्या है? टाइम। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। कब? जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया होगा तब। अगर केवल एरिया होगा तो, एरिया होगा तो इसको हम लोग एरिया के रूप में लिखेंगे, एरिया जिसका भी हो, है ना। और इसका जो यूनिट्स होगा ये डी ए बाई डी टी के रूप में नहीं लिखाएगा, ये एरिया के रूप में ही लिखाएगा। और इसका जो यूनिट्स होगा वो केवल स्क्वायर पर सेकेंड। इसका जो केवल होगा स्क्वायर होगा, यह मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस, तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस रहेगा तो क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी। और इसका जो यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, मतलब स्क्वायर नहीं होगा। अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम होगा तो क्या लिखेंगे? डी वी बटा डी टी। और इसका जो यूनिट लिखिएगा वो मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब क्यूब में होने लगेगा। तो जहां भी बटा में सेकेंड है तो समझिए कि वो रेट है, बटा में सेकेंड नहीं है समझिए कि रेट नहीं। ठीक है, ये यूनिट से आपको समझ लेना है। इंक्रीजिंग रेट जहां भी लिखेगा, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, तो आपको समझ लेना है कि वह रेट मेजरमेंट की बात कर रहा है। अब इस पर एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं जो आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड, फाइंड द रेट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ द पेरीमीटर, ऑफ द पेरीमीटर, मीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको पकड़िए कि क्या क्या आपसे पूछा है। देखिए द साइड ऑफ स्क्वायर यानी फिगर किसका बनाने के लिए कह रहा है? स्क्वायर का। ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देखिए साइड का जो रेट इंक्रीजिंग है वो कितना है? 0.2। यानी कि अगर इस साइड को आप ए मानते हो तो इंक्रीजिंग रेट कितना हो जाएगा? इस ए का इंक्रीजिंग रेट क्या लिखोगे? डी ए बटा डी टी 0.2। देखिए मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, हमने बोला था कि जिसका यूनिट बटा में सेकेंड रहेगा समझिए कि यूनिट है। तो डी ए बाई डी टी हम खोल लिए। अब देखिए फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि डीपी, डीपी बटा डीटी इज इक्वल टू व्हाट? नहीं पूछ रहा है पेरीमीटर मतलब डीपी बाय डीटी। तो अब बताइए कि सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हेंस डीपी बटा डीटी कितना होगा? 4। ए का डिफरेंशिएशन
dA by dt, 4 into dA by dt का मान कितना दिया होगा? 0.2. यहाँ पर लिख देंगे 0.2, गुना कर दीजिए 0.2 में, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8/10, इसी को हम 0.8 लिखेंगे, और मीटर पर सेकंड कितने का आंसर हो जाएगा? समझ में आया? तो रेट का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को देख लेना है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, ये एक्सरसाइज 3A हम बता रहे हैं, एक्सरसाइज 3A, ठीक है? AOD का फर्स्ट एक्सरसाइज RS अग्रवाल के बुक से है, 3A। पहला क्वेश्चन हम बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सुनिएगा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में कहा क्या? द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ध्यान दीजिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7, कौन सी बढ़ा? तो पहले इसका फिगर कह रहा है आपसे करने के लिए, सर्कल का सर्कल बनाइए, ये आपका रेडियस हो जाएगा। चलिए, किसका इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है? रेडियस का, यानी कि यहां से dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है। अब देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, आपसे इसका इंक्रीजिंग रेट पूछ रहा है, सर्कमफेरेंस का, यानी आपसे पूछ रहा है कि dc/dt क्या होगा, हमको बता दीजिए, क्लियर? तो अब बताइए कि सिंस c इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, हेंस dc/dt इक्वल टू क्या होगा, 2π dr/dt। अब बताइए 2π dr/dt का मान कितना है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। उस तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से किसकी बात कर रहा है? सर्कल का, सर्कल बना देंगे, रेडियस है, रेडियस बना देंगे। क्या दिया हुआ? इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस, मतलब क्या दिया हुआ है? dr/dt दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? सो देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब लिखता है कि एट व्हाट रेट इज द एरिया, एट व्हाट रेट इज द एरिया, किसके बारे में पूछ रहा है? एरिया के बारे में, यानी कि dA/dt इक्वल टू व्हाट है ना? चलिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, हो गया उसके, हाँ, एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एरिया पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो क्या पूछ रहा था आपसे? dA/dt, तो क्या लिखेंगे? 2πr dr/dt, 2πr की जगह पर कितना? 10, और dr/dt की जगह पर कितना? 0.3। सॉल्व कर देंगे, यूनिट क्या लिखा गया इसका? एरिया का, एरिया यूनिट क्या लिखे बोले? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आंसर है। अब हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ अ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, कदम है, अरे सेकेंड है, यहां पर क्या है? मिनट है, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो किसका कह रहा है, किसका फॉर्मूला के लिए? स्क्वायर का। देखिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट, किसका शीट? स्क्वायर शीट, जो कहेगा पहले उसका फोटो बना लीजिए, स्क्वायर शीट हो गया, क्लियर? स्क्वायर शीट हो गया। ऑफ अ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
3 सेंटीमीटर पर से मिनट, कौन बढ़ रहा है? साइड। तो साइड कौन है? साइड को a मानते हैं, तो क्या लिखेंगे? dA बटा dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट। चलिए अब कहता है एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, यह पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, मतलब एरिया के बारे में। तो dA बटा dt आपसे पूछ रहा है, एंड उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द साइड इज कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसका साइड कितना है, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए dA by dt दे दिया है, a दे दिया है, और यहां पर dA by dt आपसे पूछ रहा है, तो सिंस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर, हेंस dA by dt कितना हो जाएगा बताइए भाई, 2a dA by dt, 2 a के जगह पर कितना है 10, dA by dt की जगह पर कितना है 3। सॉल्व कर दीजिएगा, यूनिट लिख दीजिएगा सेंटीमीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो गया। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से आप पांचवा नंबर भी देख सकते हैं, छठा नंबर भी देख सकते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर में क्या पूछ रहा है, जो पहले कहेगा उसका पहले आप फोटो बना लीजिएगा, समझ गए, आपसे अपने आप बन जाएगा। पांच नंबर कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शॉप, सर्कुलर शॉप बबल, जो हम लोग बैल नहीं करते हैं पहले साबुन को ऐसे कर लेते हैं, उसको उड़ाते थे फूंक मार के, तब बबल बनता है बुलबुला, बुलबुला, तो बुलबुला जो बनेगा सर्कुलर होगा, स्फेरिकल नहीं हो जाएगा। अरे साबुन में क्या होता, सर्फ में इसी करके झाग नहीं बनाते थे और उसको उड़ाते थे, तो क्या होता बबल बन जाता था, जो बबल था क्या होता था स्फेरिकल होता है। यानी कि सबसे पहले आपको पांच नंबर में कह रहा है स्फेर बनाने के लिए, चलिए जो कहे उसको पहले बना दीजिए। फिर कहता है कि इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, डी आर बटा डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सॉप बबल, रेडियस, रेडियस इसलिए इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी बबल का जो रेडियस का इंक्रीजिंग रेट है, बबल्स के रेडियस का, तो लिखिए डी आर बाई क्लियर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरफेस एरिया, फाइंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, dA बटा dt पूछ रहा है। When radius जो दिया हुआ है, when the radius is 7 सेंटीमीटर, जबकि इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, समझ गया। अब ये तो आपका सर्कुलर है नहीं, क्या है, बबल है, मतलब स्फेरिकल है, और जानते हैं कि स्फीयर का जो एरिया होता है कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। पूछ रहा है dA बटा dt, तो क्या लिखेंगे 8 पाई r dr बटा dt, तो अब बताइए 8 पता है, पाई पता है, r पता है, dr by dt पता है, और इसका यूनिट भी पता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर पता नहीं है बताइए, वो है ना। तो केवल इसका अगर फॉर्मूला पता है आपको कि स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको रेट मिरर को बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम कुछ ज्यादा काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल उसके फॉर्मूला को लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। तो ये आपका था रेट मिरर, ठीक है। तो रेट मिरर का बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको समझना होगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा बन जाएगा, है ना। और इसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। अब देखिए हम 20वां नंबर ही क्वेश्चन बना के आपको दिखा देते हैं, क्या कहते हैं कि शुरू शुरू से हल्का हल्का था सर, तो बना दिए, अब हर एक बार छोड़ दिए, है नहीं। चलिए हम 20 19 18 17 कर देते हैं, है ना।
अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द रेडियस ऑफ अ बलून, बलून कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बलून फूलल होता है, जो फूल जाएगा वो स्फीयर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया, बलून मतलब बलून ही हो गया, ये स्फीयर हो गया, हो गया इसका रेडियस ये आर हो गया। दिया क्या हुआ है, पढ़िए, द रेडियस ऑफ अ बलून, कौन, रेडियस, रेडियस ऑफ अ बलून एट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, डीआर बाई डीटी, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई डाउट है। अब एट व्हाट रेट द इंक्रीजिंग एरिया, क्या पूछा, एरिया, एरिया पूछा, मतलब डीए बाई डी टी पूछ लिया, पूछ लिया हमको क्या मतलब, बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज कितना, 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर नहीं बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर बटा डी टी, सब कुछ पता है, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दम है, कोई दम है, तो ये 20 नंबर था सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20। 19 नंबर भी पढ़ के आपको सुनाते हैं, मजा आ जाएगा। 19 नंबर कहता है द रेडियस ऑफ अ बलून, सॉरी लाइट, 19 नंबर बन गया, ये 19 नंबर है, मतलब सब फार्मूला बैलेंस है। हाँ, और देखिए 20 नंबर है कि द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यू, क्या है वेरिएबल, क्यूब है, तो क्यूब है तो इन्हें में स्क्वायर में जोड़ दीजिए ना, बन गया ना क्यूब, यस क्यूब बन गया। ये था आपका 20 नंबर, ठीक है, तो क्यूब बना दिए। अब द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज माने साइज, एज माने साइज, ये हो गया ए, तो यहां पर डी ए बटा डी टी इक्वल टू कितना, कितना लिखा हुआ, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो हाउ फास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब डीवी बटा डीटी पूछ रहा है। अब कह रहा है इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि इसका साइज जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि सिंस वी इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, तो डीवी बटा डीटी कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर डी ए बटा डीटी, ये नहीं पता है, पता है सर, डी ए बाई डी टी नहीं पता है, पता है, तीन नहीं पता है, पता है, गुना करने नहीं आएगा, तीन गुने 100 गुने कितना है, कितना है, कितना है, डी ए बाई डी टी 5, ठीक है, तो 5 ती आई 1500। अब वॉल्यूम का यूनिट कथी होता है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो आंसर है, ऐसा समझे बात। तो रेट मेजरर का क्वेश्चन जो भी होगा आप बना के देखिएगा, न बनने का कोई प्रावधान ये नहीं है। तो ये रेट मेजर आज समाप्त हो गया, अब जो है से हम लोग को क्या कर, तो इसके आगे जो है हमको पढ़ाना है आपको एरर, एप्रोक्सीमेशन, है ना, तो ये जो दो चैप्टर जो एरर और एप्रोक्सीमेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताएंगे और उसका क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इसको जो है सो आप लोग अपने से बनाइएगा, देखिएगा, जो नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहां से सॉल्यूशन पा सकते हैं, या फिर क्लासरूम में आके फिर क्लास में ही आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन होगा वो डाउट्स, एक एक क्वेश्चन कहिएगा, एक से लेकर 20 तक पूरे बनाने के लिए हम पूरे के पूरे बना देंगे, कोई कंफ्यूजन दिक्कत हमको नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग तो बनाइए बनाइए, उसके बाद क्या है कि आपके जो संगी साथी हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको भी मदद हो जाए, समझे, ऐसा नहीं है कि केवल स्वार्थी मत बन जाइए कि हमको हो गया दुनिया की चुली भाड़ में जाए, वैसा मत कीजिए, कि आपके जो संगी साथी है उनको भी हो जाए। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक तक इस बात को पहुंचा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा नहीं है इसके, वीडियो के पढ़ाई का पैसा हम नहीं लेते हैं, नहीं मांगते हैं। चलिए तो आज इतना ही तक, जय हिंद जय भारत, बोलना बाकी रहता है।